यार फाइनली बस सब कुछ इसमें डाल दिया, अभी बस जाने की बारी है। जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसा हो आप लोग? तो यार आज का सीन ये है कि हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है और हम एक जगह जा रहे हैं। आज मौसम तो बहुत अच्छा है, एक जगह जा रहे हैं वहाँ पर मतलब से वही करेंगे और हमारे टेंट्स में स्टे करेंगे। तो आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा हेवी होने वाला है, तो व्लॉग एंड तक ज़रूर देखना। तो अभी यार जल्दी से जाते हैं, हमारा हमने जो गोट लिया था आपको यहाँ पता होगा या नहीं, दिखाया होगा या नहीं, लेकिन चलो उसको हमने किसी के पास था तो अभी उनसे लेते हैं और उधर जाते हैं अपने होटल के पास, उस पर मतलब टक टुक करते हैं और जल्दी से जाते हैं। और पतीला वगैरह सब कुछ उधर नहीं जाना, बस उधर टक टुक करना है और जाना है कोई और जगह, तो वो थोड़ा बाद में बताऊंगा। तो पहले ये काम ख़त्म करते हैं फिर और देखते हैं, जल्दी से जाते हैं। और फ्रेश वगैरह नहीं हुआ तो वापस आके फ्रेश होंगे। अरे बहुत ख़तरनाक वाला तूफान आ गया, सारा गन बाहर आए। तो यार फाइनली हमने अपना ये फीप ले लिया है, लेकिन ये वापिस भाग रहा है। पता क्या कसी हुआ सर, क्या फिर से उस तरह लेके जाओ क्योंकि ये जा नहीं रहा। अरे का पी दे दी इसने मुझे भी गंदा कर दिया है, लेकिन फाइनली इसका जुगाड़ निकल गया है, अभी जा रहे बहुत मुश्किलों के बाद। यार फाइनली गोट को पहुंचा दिया बहुत ज़्यादा मुश्किलों के बाद, और अभी बस इसकी जल्दी जल्दी कटिंग करेंगे क्योंकि टाइम थोड़ा लेट हो गया है और स्वाद का मौसम बहुत हेवी है और बारिश भी थोड़ी थोड़ी आ गई है, लेकिन बस जल्दी से कर रहे काम। तो कटिंग वगैरह स्टार्ट कर दिए बस ये है यार, और ये देखो बारिश है, करो बहुत तेज आ गई है बारिश। होए 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 बस इधर खाने के लिए भी कुछ ले रहे हैं, रास्ते में भूख लग जाए। यार हम जा रहे हैं अपने वीगो में, आ हा हा हा। ये चक्कर है, पीछे सारा सामान रखवा दिया है, बस अभी शीक की बारी है, उसको भी रखवाना है इधर। ये फाइनली बस हमारा सीख वाला जो मटन है वो रेडी हो गया है और कढ़ाई वाला उस साइड पे पड़ा हुआ है, ये मतलब हाफ ये हाफ हुआ है। यार फाइनली बस सब कुछ इसमें डाल दिया, अभी बस जाने की बारी है। ये चेक करें भाई साहब, गाड़ी भी फुल रेडी हो गई है। यार तो फाइनली यार हम पहुंच चुके हैं, और यार जगह तो मतलब हद है यार इस जगह पर, ये आप चेक कर ले। आए हैं यार मतलब पहाड़ों के बीच में हम हैं यार, इसका कोई यार अलग ही यार मजा है। और यार अगर आप हमें अगले तकरीबन 2 सालों से जानते हो हमारे व्लॉग्स को, तो यार आपने ये जगह कभी ना कभी तो देखी होगी,
ये आप चेक कर ले यार। तो यार पिछली दफा हम आए थे तकरीबन 1.5 ईयर पहले, इधर हमने बॉन फायर किया था, सिर्फ अपनी अपनी फैमिली आई थी, और इधर ये हमारा टेंट था जो कि अभी भी मुझे याद है। और यार बहुत मज़ा आया था हमें, हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। यार चेक कर ले कितना छोटा सा कैंप है, ये हमारा कैंप था। और इस कैंप के मैं आपको बताता चलूँ, 2000 मोबाइल गिर गया यार। यार जगह बिल्कुल मतलब हद यार, अगर आप भी, मैं तो कहता हूँ यार आप कभी ना कभी तो चक्कर लगाओ, क्योंकि इधर साफ नदी है और इंशाल्लाह सुबह भी उठेंगे तो आपको बिल्कुल फुल सही से टूर कराएंगे इस जगह का। ये कैंप का मैं आपको बताता चलूँ, ये तकरीबन 2000 रुपये पर हेड है, नहीं पर हेड नहीं है, 2000 पर ये ले सकते हो। तो यार सबसे पहले वॉशरूम चलते हैं क्योंकि वॉशरूम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वॉशरूम भी आपको चेक कराता हूँ कि कैसा है। भाई ये चेक करो, ये किस तरह का वॉशरूम है भाई, बिल्कुल खुले में वॉशरूम है। ये चेक करें, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में आप ऐसा बैठ जाए, ये तो नया ट्रेंड है यार। ये मेरे ख्याल में अगली सदी का वॉशरूम है, इधर इधर बना है, ये एडवांस वॉशरूम है। और भाई साहब ये चेक करें, यार शाम में आपको दिख नहीं रहा होगा तो ये इधर जो है नदी है जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी है यार। तो यार अभी जो है ये जगह हम बना रहे कोयले के लिए, जो इसमें अपना वो बारबेक्यू करेंगे। और बाबा जान लोग नीचे गए, कुछ मैंगोज पानी में रख रहे हैं क्योंकि बाद में ठंडे हो। और ये कुछ हमारे सामान है, कुछ मैंगोज इधर बच गए हैं और ये कुछ चीज़ें। तो चलो यार अभी इसके लिए पत्थर आते हैं और पत्थर से सही बारबेक्यू वाला सिस्टम बनाते हैं, पत्थर ढूंढते इधर उधर। तो यार इधर बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल मोबाइल के लाइट से ही काम चलाना पड़ रहा है व्लॉगिंग का। और ये लोग अभी लाइट का कुछ सिस्टम करा रहे हैं, कैंप्स में कुछ लाइटिंग वाइटिंग कर रहे हैं, पत्थर ढूंढ रहे हैं, पत्थर मज़ा आ रहा है। किधर मिलेगा पत्थर, अभी मैं जा रहा हूँ वॉशरूम यार। और शाम के बिल ही उधर कुछ था, कसम खुदा के उधर कुछ था। और वॉशरूम यार, वॉशरूम उधर है वो सामने, मैं कैसे जाऊँ यार। आप अभी बोल रहे होगे कि ये मजाक कर रहे हैं, लेकिन कसम से उधर मैंने भी कुछ देखा है, बिल्कुल मेरे ख्याल में वीडियो में आया भी होगा। दिल जा रहा है बार बार यार, ये इतने पहाड़ों में बीच में आप इस तरह, पता नहीं ये जगह बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है यार। ऐ अभी वॉशरूम किधर करूँ भाई साहब, इस जगह को देख लो यार, हर जगह मतलब ये वॉशरूम टेंट लगाया हुआ है और बीच में हम है माशाल्लाह। आए है तो यार, कल रात हम इधर सोए हुए थे, मैं आपको जगह दिखाता हूँ, ये चेक कर ले गाइस। इधर रियान बैठा, इधर नुमान, इधर अब्दुल और इधर मैं।
यार कल बहुत ज्यादा सर्दी थी और अभी बहुत गर्मी है, पता नहीं क्यों। हेलो जी, तो वापस से उठ चुके हैं सब। मतलब कल तो जो है ना बहुत ज़्यादा थक गए थे, लेकिन इतने में नहीं थके थे, सारा एक बजे तक बैठे हुए थे बॉन फायर वगैरह तो इतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मीट बहुत अच्छा हुआ, बहुत मज़े का। तो अभी जो है ना मैं इधर आया, उठा हूँ, फेस वगैरह वॉश किया, सन ब्लॉक लगाया, अभी टाइम है नाश्ते का। तो मैं आपको एक बंदी से मिलाता हूँ, तो उसके पास चलते हैं, उससे थोड़ी बात ही करते हैं। यूएस का है और उसको इंग्लिश नहीं आती, अभी मिलाता हूँ सवर। अब्दुल, आपका कितना टाइम यूएस में हुआ है? तो इंग्लिश तो आपको नहीं आती? इंग्लिश तो आती नहीं है। नहीं आती ना, बिल्कुल आपको नहीं आती। 18 साल हो गए पर इंग्लिश तो नहीं सीखी। ये क्यों? अब्दुल भाई जो है ना यूएस के नेशनल हो गए हैं, मतलब नेशनलिटी इन्होंने ले ली है, तो इसलिए मैं आपको मजाक कर रहा था कि इनको मतलब जो है ना इंग्लिश नहीं आती, बट बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। एक दफा वॉइस में इंग्लिश वगैरह इंग्लिश में बात कर रहे थे, तो मैंने कहा ओ भाई साहब, अरे हाय हाय, ये कैसी इंग्लिश बोल रहा है, बहुत हेवी है। अभी एक और बंदा रहता है, एक ब्लॉगर है, आपको उससे मिलाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप सुनाओ। उठ गए इस बार सुबह? यार उठ गए, हाँ, नींद तो इतनी ज्यादा नहीं की, लेकिन मेरे ख्याल से इनफ है इस दिन को गुजारने के लिए। हाँ हाँ हाँ, और आपके व्लॉग्स कैसे जा रहे? यार व्लॉग्स के लिए टाइम नहीं मिलता, अदरवाइज 200-300 व्यूज आ जाते हैं। अच्छा, तो जगह कैसी लगी आपको? ये जगह तो हमने आपको दिखाई है। बिल्कुल, आप लोगों ने दिखाई है, आप लोग यार पहले आए हुए थे तो अच्छी लगी यार। अभी सुबह ही देखिए, क्योंकि कल हम लेट पहुंचे थे। हाँ हाँ बिल्कुल, तो बहुत ज्यादा मजा आया, हमने कल बहुत एंजॉय किया, बारबेक्यू किया, खाना वगैरह खाया और गपशप लगाई, हंसे। अभी सुबह बस यही तो चाहिए था। हाँ, यही आप चाहते थे और ये हमें मिला भी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो ओके ओके, तो ये सब बैठे हुए मजे से, लेकिन मुझे कुछ दे नहीं रहे, तो चलो हम भी चलते, हम भी कहते रहन मुंटू द्वैतवा। अरे यार, यहाँ लोग तो जा रहे हैं अभी हाइक के लिए, तकरीबन 1-2 किलोमीटर हाइक करेंगे फिर वापस आएंगे, और मैं तो इधर लेट गया, मैंने कहा मैं नहीं जा रहा। ये माहौल आप चेक कर ले यार, इधर यार लेटने का अलग ही मज़ा है। मैं हाय मज़े। हाँ जी, तो यार अब हम आ गए हाइकिंग के लिए। मैंने अपना फ़ोन मतलब नीचे भूल गया, आयान भी नहीं आ रहा था हाइकिंग के लिए, तो इसलिए मैंने अपने मतलब अब्दुल का फ़ोन यूज़ किया, उसके फ़ोन से ब्लॉग कर रहा हूँ। तो वो आगे निकल गए, पहले मैं था लेकिन वो आगे निकल गए। जल्दी जल्दी से चलते हैं, हम एक शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं। तो वो रहे वो लोग ये चक्कर, और हम जाएंगे सीधे सीधे पहाड़ से इस तरह, इधर तक तो आ गए, उधर से ये चक्कर इधर तक आ गए, और अब हम शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसमें मैं बहुत मतलब क्या ना है, मुश्किल होगी, लेकिन कोई नहीं। उनसे जल्दी जाओ। ओए बहुत ऊपर है, ओए बहुत ऊपर है यार। उफ,
यार अभी मैं इधर सोने जा रहा हूँ क्योंकि यार इधर वाईफाई के सिग्नल्स भी नहीं आते और ऊपर से हमने नींद भी नहीं की हुई। कल शाम को तकरीबन 3 बजे हम सो हुए थे और अभी फिर उठे 8 बजे, तो 7 और नहीं, मेरी मैथ्स थोड़ी ख़राब है, आप कैलकुलेशन कर ले कितना टाइम आता है। तो यार अभी इधर सोते हैं, बहुत ज़्यादा नींद आई हुई है, जब वो हाइक से आ जाए फिर मुझे उठा देंगे। तो चलो यार सोते हैं। आए और फाइनली यार यहाँ पर टॉप पे पहुँच गए। ये जगह आपको सही से दिखाता हूँ, लेकिन एक दो पिक्चर्स लेते हैं फिर आपको दिखाता हूँ, इतना खास तो मुझे लगा नहीं। पता नहीं यार और कितना नीचे जा रहे, चलो रुक गए ये अजीब बात है, लेकिन उधर से जा रहे पता नहीं और किधर जा रहे हमारा तो। चलो यार अभी अब्दुल का फोन जो है वो वापस देते हैं, बीच में मैंने वापस दिया था लेकिन अभी मसला हो गया, क्या करें। चलो अभी जाते हैं, वापस जाने का टाइम है तो नीचे वापस चलते हैं, नाश्ता कर लिया, खाने का टाइम भी है। फिर तो कैसे यार वो चेक कर रहे, रियान लोग भी काफी तेजी में आ रहे हैं, मेरे ख्याल में उनका हाइक कंप्लीट हो चुका है। और यार मैंने तकरीबन 40 मिनट्स की नींद और कंप्लीट कर दी है, तो बिल्कुल सही हो गया यार। तो बस यार अभी हमारी जो है पैकिंग हो रही है और बस हम इधर से भी निकलने वाले हैं। टाइम तकरीबन है 12 और इस जगह को मिस करूंगा यार, ये जगह देख लिया काफी प्यारी जगह है, बस यार मिस करूंगा इस जगह को। Pina, Rasha.